नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी डिलीवरी के शेयर में आज काफ़ी उतार चढ़ाव दिख रहा है। इसके शेयर आज के कारोबार के शुरुआत में करीबन 2% फिसल कर 337 रुपये के भाव पर आ गए थे। दोस्तों, ये गिरावट 2.8 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील के जरिए बिक्री के चलते आई है। दोस्तों, 2.8 करोड़ शेयर कंपनी में करीबन 3.8% हिस्सेदारी के बराबर है। हालांकि खरीदार और बेचने वाले के बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सॉफ्टबैंक ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, क्योंकि उसकी ऐसी योजना थी। दोस्तों, ये शेयर शुरुआत में तो गिरा, हालांकि बाद में मजबूत सेंटिमेंट की वजह से ये शेयर वापस ऊपर आ गया। दोस्तों, हाल ही में इसका खुलासा हुआ था कि सॉफ्टबैंक डिलीवरी में अपनी 600 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी मार्केट प्राइस से कम भाव यानी कि डिस्काउंट पर बेचने की योजना बना रहा है। वहीं दिसंबर 2022 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक सॉफ्टबैंक की डिलीवरी में 18.42% हिस्सेदारी है। इससे पहले 23 फरवरी को इंटरनेट फंड ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम की थी। हालांकि बिक्री के बाद इंटरनेट फंड की 2.96% हिस्सेदारी और सॉफ्टबैंक की 14.62% हिस्सेदारी बची हुई है। हालांकि दोस्तों, अभी ये शेयर अपने IPO प्राइस से 28% नीचे कारोबार कर रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड भी इसके शेयर को बेच के निकल रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में हमें इसके शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसके शेयर में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।